चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें हम यहाँ पे सबसे पहले मसालों से। तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 11,000 पर निकल चुका है। एक बार फिर से धनिया के अप्रैल वायदा में 11,000 के लेवल देखने को मिल चुका है। जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 20,700 पर ट्रेड कर रहा है, 0.2% की गिरावट है। और हल्दी में देख रहे हैं कि हल्दी का अप्रैल वायदा 9,300 के लेवल्स पर ही है, लेकिन 9,500 का भी हाई लगा है, 1.5% से ज़्यादा की करेक्शन है। मसालों में देख रहे हैं कि जो लेवल्स है धनिया को छोड़ के बाकी जीरे और हल्दी में हल्के कुछ दबाव नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मसालों में क्या करके चलना सही रहेगा, जिससे आने वाले समय में भी अच्छा लाभ उठाया जा सके, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, बताइए जी। अनुज जी, सबसे पहले बात करें अगर मसालों पे, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया में आज एक बार फिर से 11,000 का लेवल पकड़ा है, और देखने वाली बात यह भी है कि मार्च के महीने में धनी की अराइवल्स हो जाती हैं और जीरे की भी। जीरे में देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी है और हल्दी भी अपने ऊपरी स्तर से कुछ लुढ़की है। आपकी क्या राय रहेगी अब मसालों के ऊपर, क्या मसालों में अब यहाँ से आने वाले समय में दबाव बनेगा थोड़े कुछ दिनों के लिए? देखिए, मसालों में यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी छोटी अवधि के लिए कुछ नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि हमने हायर लेवल पर डिमांड कम होते हुए देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल मसालों में छोटी अवधि में कुछ भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अनुजी, इसी के साथ बात करें अगर कैस्टर की, तो कैस्टर को हमने 7,400 तक जाते हुए देख लिया है। आपको क्या लगता है, क्या अब वहां से कैस्टर सीड 7,500 या उससे भी आगे के लेवल्स दिखा सकता है? देखिए, 7,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहा है अभी। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, अगर लोअर लेवल पे खरीदारी यहाँ पर आ सकती है। हमें लगता है कि भाव अगर नीचे 7,100 के आसपास मिले तो खरीदारी करना चाहिए। निर्यात मांग अभी भी है और रुपी में जो कमजोरी उससे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि अगेन कैस्टर के भाव ऊपर में 7,400 से लेकर 7,500 तक आ सकते हैं, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी कैस्टर में यूज कर सकते हैं जी। इसके साथ अनुज जी, बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, 3400 के लेवल के बाद अब एक बार फिर से 3400-3500 तक के जो लेवल है बिनौला खल में, वो कब तक देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिनौला खल के अंदर हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है, हालांकि हायर लेवल पर यहाँ पर भी प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में अभी भावों में कुछ प्रेशर रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि नीचे खल के भाव एक बार 3,050 से लेकर 3,000 तक आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड हायर लेवल पर कम होती हुई दिखी है, हमें लगता है कि बिनौला खल के भावों में भी नरमी का रुख रहेगा। नीचे भाव 3,050 से लेकर 3,000 तक के लेवल दिखा सकता है जी। इसके साथ अनुजी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देखा है। इस पूरे कारोबारी सप्ताह ऊपरी स्तर से दबाव भी बनता नजर आया है। आपको क्या लगता है, अब आने वाला कारोबारी सप्ताह ग्वार कॉम्प्लेक्स के लिए कैसा रह सकता है, क्या ग्वार में निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिल पाएगी या फिर अभी भी सीमित दायरा ही रहेगा? देखिए, अभी हमें लगता है कि थोड़ा सीमित दायरे में रहेगा, हालांकि ग्वार में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे भाव अगर 5,900-5,850 के आसपास मिलते हैं, हालांकि अब आज हफ्ते का लास्ट दिन है, अगर हमें लगता है कि अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो ही खरीदारी करना चाहिए। करंट रेट में अगर आप देखेंगे तो काफी समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और फिलहाल अभी जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो कोई यहाँ पर अगर हम देखें तो मंडियों में आवक भी लिमिटेड है और डिमांड भी थोड़ी लिमिटेड ही है, तो मार्केट एक रेंज में आता हुआ दिख रहा है, बट खरीदारी नीचे में 5,850-5,900 के आसपास कर सकते हैं जी। अनुजी, सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि सोयाबीन देख रहे हैं कि US सोयाबीन $1,650 के ऊपर सस्टेन है और NCDX पर भी 7,900 के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं, तो क्या अब यहाँ से सोयाबीन और भी आगे तेजी की ओर जा सकती है? देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें तो हमें लगता है कि अभी जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा है, सोयाबीन में तेजी का ही रुख देखने को मिलेगा।
हालांकि हमने एडिबल ऑयल्स में भी यहाँ पे तेजी आते हुए देखी। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख है जो आगे कंटिन्यू रहेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी क्योंकि भाव काफी बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा करेक्शन अगर मिलता है तो ही हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 8000 तक के लेवल सोयाबीन में आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जी अनुजी, खाद्य तेलों में भी देख रहे हैं कि सीपीओ हुआ, रिफाइंड सोया ऑयल हुआ, इनके दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी एकदम से देखने को मिली है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनके मद्देनजर आपको क्या लगता है इसका असर भारत के एडिबल ऑयल के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, पूरा ही देखने को पड़ रहा है असर, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करता है पेट्रोल के बाद, कच्चे तेल के बाद पाम ऑयल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, और उसका असर हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में तेजी का रुख बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता तब तक हम बाजार में एडिबल ऑयल में तेजी आते हुए देखेंगे। साथ में रुपया जो वीक हो रहा है उसका भी काफी असर यहाँ देखने को मिला है। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में के लिए, पर्टिकुलर एग्री कमोडिटी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अनुजी, देख रहे बात करें यहाँ से अगर कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि MCX कॉटन भी 36,000-37,000 इसी दायरे में है। आपको क्या लगता है क्या कॉटन में फिर से 38,000 या 39,000 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, या फिर जितनी कॉटन में तेजी आनी थी वो आ चुकी है? देखिए, अभी हमें लगता है कि भाव ऑलरेडी काफी हायर लेवल पर है और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी कम दिख रही है। आगे जो मौसम है वो भी थोड़ा सा गर्मियों का आता हुआ दिख रहा है, तो डिमांड जनरली हम कम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भाव थोड़े से रेंज में रहेंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ प्रेशर भी देखने को मिले। एक्सपेक्टेड है नीचे 36,000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो खरीदारी अगर किसी को करनी है तो वेट एंड वॉच करे, 36,000 तक के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड वहां पे ले सकते हैं। बट फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि एक भावों में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जी अनुजी, मेंथा पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या मेंथा की डिमांड अभी कुछ निकल रही है? देखिए, मेंथा में हमने अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि मेंथा ऑलरेडी काफी ओवर सोल्ड कमोडिटी था, यहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि मेंथा में अभी और आगे तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है 1020 से लेकर 1050 तक के लेवल मेंथा में देखने को मिल सकते हैं। जी अनुजी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप आने वाले कारोबारी सप्ताह के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है, और आने वाला ओवरऑल कारोबारी सप्ताह कमोडिटीज के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो कमोडिटी है थोड़ा सा बाजार एक रेंज में रहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, तो मेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, नियर टर्म के लिए बिकवाली की ही सलाह रहेगी। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 3050 से लेकर 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमें लगता है कि ग्वार के अंदर भी एक बार बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, 50 से 100 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो अगर वो गिरावट आती है 50 से 100 रुपए की तो वहां खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, मगर वेरी फ्रेश करंट रेट पर यहाँ पे हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी ग्वार सीड में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार के आखिरी कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।